सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोगों को मैं तीन स्टेप में बताने वाला हूँ कि इस प्रॉपर कलर ग्रेडिंग कैसे करना है, ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट स्टेप रहेगा आप लोगों का लाइट एडजस्ट, और देन सेकेंड रहेगा आप लोगों का गाइस मिक्स कलर, और थर्ड रहेगा कलर ग्रेडिंग, ठीक है। सो गाइस, रियल फ़ोटो ले लेता हूँ मैं आप लोगों को, मैं उस फोटो में बताने वाला हूँ। सो ये फ़ोटो को आप लोगों को लाइट रूम में शेयर करना है गाइस, ठीक है। प्रॉपर वहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। गाइस, जैसे कि फोटो गई लाइट रूम में, सो आप लोगों का गाइस पहला स्टेप है लाइट एडजस्ट, ठीक है। सो मैं आप लोगों को लाइट एडजस्ट करके दिखाऊंगा। सो गाइस, आप लोग भी इस टाइप से कर लेना, ठीक है। देन गाइस, सबसे पहले आप लोगों को शेडो गाइस पूरा 100 करना है गाइस, किसी भी फोटो का 100 करना है, ठीक है। देन इसके बाद में हाईलाइट थोड़ा कम करना है, जो अगर आपकी फ़ोटो में हाईलाइट अगर ज़्यादा होगा, सॉरी गाइस वाइट अगर ज़्यादा होगा, वाइट बोले तो गाइस जैसे कि अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते तो सन के फ़ोटोज़ के हिसाब से सन का जो वाइट वाला जो पोर्शन रहता है गाइस, उसको अगर वो ज़्यादा होगा तो वाइट कम कर लेना, ठीक है। देन इसके बाद में आप लोगों को ब्लैक थोड़ा ज़्यादा कर लेना है, ठीक है। कोई भी फ़ोटो होगा इस, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये स्टेप आप लोग फॉलो करना है गाइस। हाईलाइट को थोड़ा कम कर देना है, हाईलाइट में जैसे कि फ़ोटोज़ में लाइट ज़्यादा आ रही है तो वो आप लोगों को कम कर सकते हो। देन कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम करना है गाइस, और देन इसके बाद में आप लोगों को एक्सपोजर हल्का सा बढ़ाना है। सो गाइस, जैसे कि मैंने ये वाला बताया गया, ये वाला हर फोटो में अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो फोटो एकदम बढ़िया लाइट एडजस्ट हो जाएंगे गाइस, जैसे कि आप लोग बिफोर आफ्टर देख सकते हो। सो आप लोगों की स्किन ब्राइट वाइट सब हो जाएंगी, बरोबर। देन अभी सेकंड स्टेप पे जाएंगे गाइस। सो फर्स्ट हो गया मिक्स कलर यूज़ करना है, ठीक है। सो आप लोगों को गाइस यहाँ का कैसे करना है, सो मैं इस फोटो का बता देता हूँ। सो सबसे पहले गाइस पिंक वाले कलर पे आ जाते हैं, इसका सेचुरेशन थोड़ा कम कर लेता होगा इसमें। देन पर्पल का भी सेचुरेशन कम कर लूँगा, ब्लू का भी सेचुरेशन कम कर लूँगा। मैक्सिमम का इसमें ये वाली सेटिंग हर फोटोज़ पे रखता होगा इस, ठीक है। सो आप लोग भी ये यूज़ करो, सो आपकी फ़ोटोज़ अच्छी बढ़िया बनेंगी। देन इसके बाद मैं आप लोगों को ग्रीन वाले आइकॉन पर आ जाना है गाइस, और ग्रीन का भी सेचुरेशन पूरा माइनस कर लेना है। देन व्यू गाइस प्लस में लेके जाना है। देन येलो वाले आइकॉन पर आने के बाद में आप लोगों का इसका सेचुरेशन पूरा 100 कर देना है गाइस, ठीक है। मैं देखो गाइस बैकग्राउंड जैसा मेरा बैकग्राउंड था गाइस, ठीक है, जो बैकग्राउंड था उस हिसाब का टोन लाने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग आपकी फ़ोटो के हिसाब से आप लोग बैकग्राउंड ला सकते हो। सो ट्राई करूँगी गाइस कि बैकग्राउंड में एक ही कलर आए ज़्यादातर, या मतलब दो तीन कलर ऐड मत करना कभी। सो उसके वजह से फ़ोटोज़ अच्छी नहीं लगती। जैसे कि अभी मेरी फ़ोटोज़ देख सकते हो गाइस, यहाँ पे बैकग्राउंड में आप लोगों को एक ही कलर दिख रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है। देन इसके बाद में आप लोगों को ऑरेंज वाले आइकॉन पे आने के बाद में इसका सेचुरेशन प्लस में लेके जाना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है, ठीक है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो। देन इसके बाद में आप लोगों को रेड वाले आइकॉन पे आने के बाद में इसका सेचुरेशन प्लस लेके जाना है, ल्यूमिनस थोड़ा माइनस कर लेना है। सो ऐसे डन कर लेते हैं गाइस, सेकेंड स्टेप अपना हो गया है। देन आप लोगों को गाइस अभी कलर ग्रेडिंग करना है। सो कलर ग्रेडिंग पे आ जाते हैं। सो जैसे कि देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अभी शेडो, जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, शेडो है गाइस। शेडो का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, अपनी फ़ोटोज़ में शेडो कुछ भी नहीं है। देन इसके बाद में मिड टोन का तो यूज़ होगा ही गाइस, ठीक है, और देन हाईलाइट का तो होना ही है। सो फर्स्ट मैं हाईलाइट ही यूज़ करूँगा, क्योंकि फ़ोटोज़ में पूरी हाईलाइट फ़ोटो है तो हाईलाइट यूज़ करना ही है, ठीक है। सो आप लोग आपकी फ़ोटो के हिसाब से देख सकते हो, आपकी फ़ोटो में हाईलाइट ज़्यादा है या शेडो ज़्यादा है, वो हिसाब से आप लोग ये वाला कलर ग्रेडिंग यूज़ करोगे, ठीक है। मेरे फ़ोटो में हाईलाइट ज़्यादा है तो मैं हाईलाइट यूज़ करूँगा। सो हाईलाइट का कलर रखना है मुझे 206, ठीक है। सो 206 में रख लेता हूँ। सो 206 रखना है, और आप लोगों को इसका सेचुरेशन 41 रखना है, ठीक है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और ल्यूमिनेंस रखना है गाइस 70। सो 70 रख लेता हूँ मैं। सो ज़्यादा भी रहा तो चलता है गाइस, ठीक है। और देन ब्लेंडिंग रखना है गाइस मुझे 60। सो गाइस, ये फ़ोटो है मेरी फ़ोटो के, मेरे टोन के हिसाब से रखा हूँ गाइस मैंने, ठीक है। सो हाईलाइट है तो गाइस हाईलाइट प्रॉपर यहाँ पे यूज़ हो जा रहा है, स्किन के ऊपर में नहीं आ पा रहा है गाइस, ठीक है। सो गाइस ट्राई करूँगी गाइस हाईलाइट अगर यूज़ आप लोगों को यहाँ का हाईलाइट यूज़ करना है तो ल्यूमिनस आप लोग प्लस में रखो, और देन ब्लेंडिंग भी प्लस में रखो,
अगर प्लस में नहीं रखोगे गैस तो वो कलर आपके स्किन पे आ सकता है, ठीक है। देन इसके बाद में आप लोगों को मिड टोन पे आना है गैस। मिड टोन का कलर आप लोगों को रखना है 41, ठीक है। सो 41 रख लेता हूँ मैं। सो गैस 41, सॉरी गैस। सो 41 रख लिए गैस। इसके बाद में आप लोगों को इसका सिचुएशन 4 रखना है। सो गैस आप लोगों की फ़ोटो का जो मतलब गैस ये येलो कलर है, ठीक है। येलो कलर अभी मिड टोन में जैसे स्किन पे आ जाएंगे गैस, ठीक है। और देन इसके बाद में आप लोगों को इसका ल्यूमिनस रखना है गैस 22, ठीक है। और देन ब्लेंडिंग तो बराबर ही है जो रहेंगी। सो गैस जैसे कि आप लोग देखिए, आप लोगों को मैंने बताया गैस, ठीक है, 3 स्टेप में जो प्रॉपर कलर ग्रेडिंग हो गया है गैस। और आप लोग जैसे कि देख ही सकते हो गए इस स्टेप से, जिस स्टेप से मैंने आप लोगों को बताया गैस, आप लोगों को समझ में आया होगा। सो गैस इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में आया होगा तो गैस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो गैस। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।